नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। सलमान खान की मूवी कभी ईद कभी दिवाली में आसिम रियाज होंगे नहीं होंगे, आसिम ने उसके बारे में क्या कहा है, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। 2021 में आसिम रियाज के कौन कौन से बड़े बड़े सॉन्ग्स आने वाले हैं उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इस वीडियो में बात करेंगे आसिम के पंजाबी मूवी को लेकर के। जी दोस्तों, काफ़ी पहले एक न्यूज़ आई थी कि आसिम पंजाबी मूवी करने वाले हैं, वो भी हिमांशी खुराना के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आसिम रियाज पंजाबी समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, तो न्यूज़ आ रही थी कि वो पंजाबी मूवी करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब जब उनसे इंटरव्यूज़ में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पंजाबी मूवी को लेकर के, तो आसिम रियाज का क्या रिएक्शन रहता है इन पर, चलिए बात करते हैं। आसिम रियाज कहते हैं कि देखिए, पंजाबी ही मूवी नहीं, मुझे जो भी प्रोजेक्ट आए जब मैं बिग बॉस से बाहर आया, चाहे पंजाबी हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, मैं किसी के लिए भी कभी मना नहीं की। मेरी टीम के पास आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट पसंद आते हैं तो हम करते हैं, जैसे कि म्यूज़िक वीडियोस मैंने की। लेकिन हाँ, पंजाबी मूवीज़ की अगर बात करें तो मेरी टीम से काफ़ी बात होती रहती है, काफ़ी आप कह सकते हैं मूवी मेकर्स की, काफ़ी डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की। लेकिन इस साल ये जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं जितनी भी आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स मेरे आने थे तो वो वहीं के वहीं रुके। और पंजाबी मूवी को लेकर के वो कहते हैं कि नहीं, पंजाबी मुझे अभी कोई भी मूवी ऐसी ऑफ़र नहीं हुई, मेरी कोई भी मूवी ऐसे नहीं आने वाली है हिमांशी के साथ। तो ये जो आपके पास न्यूज़ पहुँची है, ये प्रॉपर एक रूमर है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो यानी कि आसिम रियाज जो है कोई भी पंजाबी मूवी अभी नहीं करने वाले, क्योंकि उनके पास कोई भी ऑफ़र नहीं आया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि क्योंकि ये लॉकडाउन हो गया, पेंडेमिक छा गया, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट नहीं हो पाए किसी से भी, वो बातचीत नहीं हो पाई। और क्योंकि ग्राउंड वर्क आपको करना पड़ता है, मिलना पड़ता है, मीटिंग्स करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सब बातें भी रूमर्स हैं। तो ये कहा है आसिम ने पंजाबी प्रोजेक्ट को लेकर। पहले आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।